समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने की राजनीति कर रही है, देश में आर्थिक संकट छाया हुआ है। केवल कुछ कार्यकर्ता और परिवार के लोग शामिल हुए हैं। जहां तक सवाल राजनीति का है, हर सरकार कोई ना कोई विकास करती है, लेकिन जो लोगों को याद है, लोगों को याद दिखाई दे रही है, वो आज भी समाजवादी सरकार की चलवाई हुई एम्बुलेंस चल रही है सड़क पर। 100 नंबर जो दिया था, चाहे नंबर बदल गया हो, लेकिन सुविधा सबसे बेहतर समाजवादियों ने दी। तो विकास के रास्ते पे ले जाने का काम समाजवादियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में नफरत फैला के राजनीति करना चाहती है। आप बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई क्या? क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ गए? आज जो संकट है, आर्थिक संकट है।